राजगढ़ बांध जो है आप देख रहे हैं, ये पूरा राजगढ़ बांध जो है अभी काम चल रहा है इसका अभी। इसमें ऐसा है कि यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा स्टॉक होगा और यहाँ के आसपास के गांव सभी में सभी को फैसिलिटी मिलेगी, पानी का भरपूर उपयोग होगा एवं किसानों के लिए खेती के लिए भरपूर यूज हो जाएगा इसका। आप देख रहे हैं ये नया गांव चल रहा है अभी, इसके बाद इसमें बिजली की प्रॉपर मात्रा में उपलब्धि कराई जाएगी, साथ ही इसके साथ आसपास के जितने भी गांव है सभी को पानी प्राप्त होगा। और देख सकते हो काम चल रहा है यहाँ पे बांध का काम चल रहा है, उसके बाद बहुत ही बड़ा बांध बन रहा है अपने एरिया में, राजस्थान अपने मंदसौर जिले के पास ही है राजस्थान, जिसे बोलिया के नजदीकी है बना हुआ है। आप देख सकते हो कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, इसमें बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं, L&T द्वारा पूरा काम किया जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा एरिया कवर कर रहा है, इसके बाद जितना भी है यहाँ पे सारा एरिया कवर करेगा, इतना सभी को प्रॉपर पानी मिलेगा, पानी की भरपूर मात्रा अपने को मिल पाएगी यहाँ पे। और किसानों के लिए खुशखबरी की बात है, यहाँ पे सारे पानी का स्टॉक किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं पानी का लेवल, यहाँ पे इतना पानी तक स्टोरेज किया जाएगा, उसके बाद इस पानी के लेवल से आपको यहाँ का पूरा एरिया कवर किया जाएगा, इतना यहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट भी अपने को यहाँ पे मिल पाएंगे। इससे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अपने एरिया में सभी को पानी मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ के एरिया में पूरा एरिया देख लो आप, कितना एरिया कवर हो रहा है ये आसपास का पूरा एरिया, एवं उसके साथ इसका पानी का स्टोरेज के लिए मेन गेट रहेगा ये यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारी नहरें भी निकाली जाएगी, उसके साथ यहाँ पे स्टोरेज का ये मेन पार्ट है स्टोरेज का, एवं उधर भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे पानी का प्रॉपर ये किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये राजगढ़ बांध की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, नीचे दिया हुआ है जो घंटी है उस पर सब्सक्राइब करें वीडियो को। ये यहाँ पर जो कि मेन आउटर साइड है जो पानी गिरता है नीचे, देख रहे हैं आप यहाँ से पूरा पानी का फ्लो जा रहा है इधर की साइड, एवं यहाँ पे जो गेट लगे हुए हैं इसके थ्रू पानी का फ्लो पूरा इधर की ओर छोड़ा जाता है, जब आउट ऑफ पानी हो जाता है तो उसके द्वारा यहाँ से छोड़ा जाता है पानी। आप देख रहे हैं कितना पानी जा रहा है, अभी गेट ओपन है, जब भी आउट ऑफ लिमिट हो जाएगी गेट को तो ये पानी छोड़ा जाता है और इसके लिए स्टोरेज के लिए गेट बंद कर दिया जाता है। कैसा है, कैसे बन रहा है ये आपको पूरी जानकारी है। हम हमारे जस्ट नीचे गेट लगा हुआ है इसका, उसके जस्ट साइड में पानी का फ्लो जस्ट हमारे नीचे से पानी जा रहा है इसके बांध में, एवं यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कितना पानी यहाँ पर आ सकता है, कितना स्टोरेज हो सकता है, ये देख रहे हैं आप कितना पानी जा रहा है इसके जस्ट गेट, इसके जहाँ हम खड़े इसके जस्ट नीचे गेट है और गेट के यहाँ से पानी का फ्लो जा रहा है। ये जो ब्लैक वाला जो गेट है ना ये जस्ट नीचे गिरेगा और यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके नीचे का तल बताएंगे आपको कि जहाँ से पानी जा रहा है, और ये ओपन चैम्बर है, यहाँ पर चार चैम्बर लगे हुए हैं जिसमें पानी का स्टोरेज किया जाता है, चार चैम्बर से यहाँ पे पानी होके जाता है, ज़्यादा स्टोरेज होने की वजह से यहाँ पे चैम्बर को बंद कर दिया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पे स्टोरेज होता है पानी का, उसके बाद यहाँ पर बिजली का काम चलेगा जस्ट, उसके बाद आउट ऑफ पानी होने के बाद ये स्टोरेज को चैम्बर को खोल दिया जाता है और पानी को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आसपास बहुत सारी नहरें भी निकाली गई है, जो नहरें से आसपास के गाँव में जो किसान भाइयों हैं उनके लिए कृषि के लिए सिंचित किया जा सकता है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे। और बहुत बड़ा बांध बना हुआ है ये राजस्थान में बोलिया के पास आ गया राजगढ़ बांध में बहुत सारी फैसिलिटी किसान भाइयों को प्रोवाइड होगी, जिससे किसानों के उन्नति के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कैसा लगा आपको? हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप सब्सक्राइब करें, सभी को शेयर करें, बताएं, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। राजगढ़ बांध जो है राजस्थान का है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरे बांध को अच्छे से अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, पूरा जानकारी ले सकते हैं। ये भविष्य में आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको यूज होगा, बहुत सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनेंगे, एवं कृषि के लिए सारा बेनिफिशियल है ये, खेती पानी वगैरह सभी मिलेगा इससे। हेलो, बाय बाय, और वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा।